तो पांच की आंख देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं ललित प्रजापति। और मसला दरअसल निकला है दक्षिण की राजनीति या दक्षिण के गेट से, कर्नाटक में फेल और छत्तीसगढ़ में खेल। इसके आगे लगा है एक मार्क, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक। दरअसल सियासत इसी विस्मयादि बोधक के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। खबर है कि इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। नड्डा का छत्तीसगढ़ से खास लगाव है, इससे सियासत के जानकार जानते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी और संगठन राज्य में वापसी के लिए पूरी मेहनत कर रही है। कांग्रेस जहां भूपेश बघेल के चेहरे के साथ सरकार की उपलब्धियों पर भरोसा जता रही है, तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सहारे 2023 में छत्तीसगढ़ फतह करना चाहती है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस एक्शन मोड में हैं। कांग्रेस को सीएम भूपेश बघेल के चेहरे और सरकार के काम पर भरोसा है, जबकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सहारे 2023 में छत्तीसगढ़ को फतह करना चाहती है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ के ताबड़तोड़ दौरों का प्लान भी बनाया है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जबकि 30 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसंपर्क महाअभियान के तहत बिलासपुर जिले का दौरा करने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक देश भर में अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में 51 सभाएं होंगी, जिसमें चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ पर खासा फोकस देखा जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कर्नाटक में भी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव लड़ी थी, लेकिन हश्र क्या हुआ? सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं तो सब आएंगे ही, 4 महीने घूमेंगे भी, और अच्छा है कि वो हमारे काम को देख पाएंगे। बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। अभी चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही, 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। इन 4.5 सालों में जो हम लोग काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। देखिए केंद्रीय नेतृत्व के सहारे में कर्नाटक को चुनाव लड़ते देख लीजिए क्या हर्ष हुआ है, बस यही होने वाला है। भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़कर के अपनी चिंता करनी चाहिए। भूपेश बघेल जी भी असम में प्रभारी थे, यूपी में प्रभारी थे, बिहार में प्रभारी थे, वहां उनकी क्या दुर्गति हुई है वो सब जग जाहिर है। यूपी में केवल 2 सीट पे ही वो चुनाव जीत पाए, 300 से ऊपर सीट पे उनकी जमानत जब्त हो गई। भूपेश बघेल को अपने नेतृत्व की चिंता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का रिकॉर्ड समय तक शासन रहा था, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल इस चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का फोकस छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, रायपुर। तो कर्नाटक में फेल, छत्तीसगढ़ में खेल, इसे लेकर अब चर्चा भी करेंगे। अमित श्रीवास्तव साहब कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक बजाज बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजाज साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्रीवास्तव साहब पहला सवाल आपसे, जिम्मेदारी चूंकि आपकी ज्यादा बड़ी है, क्या वाकई लगता है कि कर्नाटक जैसी स्थितियां या कर्नाटक जैसे नतीजे आपके हिस्से भी आएंगे श्रीवास्तव साहब? निश्चित तौर पे ललित जी, देखिए लगातार हम इन 4.5 सालों में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार का जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, 68 से हम 71 हो गए, और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ 5 उपचुनाव हुए और 5 के 5 उपचुनाव जनता ने हमें प्यार और आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से जिताया। उसके बाद लगातार आप देखिए कि कहते हैं ना चुनाव आपके काम का प्रतिबिंब होता है और जनता उसमें अपने मताधिकार के प्रयोग से बताती है कि आपके काम उनको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए लगातार 10-10 महापौर हमने बनाए और जिस प्रकार मैंने कहा कि 5 उपचुनाव हम जीते, तो कर्नाटक जैसे ही रिजल्ट्स की हमें यहाँ पर उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं ना कि अब इधर उधर की बात नहीं चलेगी, जरूरत मुद्दे पे बात होगी और लोगों को जिस प्रकार से लोगों के जेबों में डाका डालने का काम किया जा रहा है लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं होती, बढ़ती हुई महंगाई की
और लोगों की घटती हुई कमाई की केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार कोई चर्चा करना नहीं चाहती। और कभी भी आप भाजपा के नेताओं से अगर महंगाई पे बात करेंगे तो वो इधर उधर झांकने लग जाते हैं, उस पर जवाब नहीं देते। तो जनता ने एक कर्नाटक में एक ललित जी संदेश भी दिया, कहते ना पूरा जोर लगाकर इन्होंने किया नाटक, फिर भी इनके हाथ से चला गया कर्नाटक। और जिस प्रकार का मैंने उस दिन भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि मेरे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी का एक दल से तुलना करना, मैंने उस दिन भी कहा था कि देश के सर्वस्व पद पर बैठे हुए व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी को उस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों हनुमान भक्त। अमित जी, लेकिन कर्नाटक तो अपने ट्रेंड पर गया है, वहां का ट्रेंड रहा है ज्यादातर वक्त, ये आप भी जान रहे हैं जी। देखिए कर्नाटक का ट्रेंड रहा, उसके पहले आप देख लीजिए हिमाचल में इनका क्या हाल हुआ। देखिए ये हमेशा कहते थे ललित जी कि हमारी सुनामी चल रही है। मैं आपके माध्यम से बताता हूं, जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक चीज सामने आई कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 सालों में 35 से ज्यादा ये चुनाव हारे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हिमाचल में है नहीं, पंजाब में है नहीं, बिहार में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने सरकार बनाई आप देख लीजिए। इसके पहले गोवा में, मणिपुर में और कर्नाटक में इन्होंने कैसे सरकार बनाया था। देश की जनता अब कहने लग गई है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है। हाँ। बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। जी ठीक ठीक। बजाज साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बजाज साहब, कर्नाटक के नतीजे और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ की स्थितियां हैं, बावजूद इसके आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कामयाबी मिलेगी और पूरे केंद्रीय नेताओं की आप ताकत भी झोंक रहे हैं, और अब तो नड्डा साहब जब आए थे फरवरी में तो उन्होंने कहा कि अब भूपेश बघेल को आराम दो, बजाज साहब? देखिए ऐसा है कि कर्नाटक के चुनाव को अगर छत्तीसगढ़ से देखा जाएगा तो पिछली बार कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो अगर उनके जोड़ के देखेंगे तो ये बात होगी। लेकिन जहां तक परिणाम का सवाल है, जिस तरह से तुष्टिकरण का खेल चला है, अभी वो गले की हड्डी बनने वाली है इनके लिए। चुनाव जरूर जीत गए हैं, सरकार जरूर इन्होंने बना ली, लेकिन कर्नाटक में इनके लिए अभी नई नई मुसीबतें आने वाली हैं, ये भी आप देखते रहिएगा। दूसरी बात यह कि लोगों को कितना किस ढंग से प्रलोभन दिया गया, छोटे गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को किस ढंग से उकसाया गया, भरमाया गया, इसके कारण कर्नाटक का परिणाम ही आया है। ना, आपको अपना घोषणा पत्र भी वहां देखना चाहिए। अगर यही भरमाना है तो भरमाने की भरमार कर्नाटक के आपके घोषणा पत्र में भी थी, बजाज साहब। सवाल नंबर दो, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने जिक्र किया, तुष्टिकरण की बात आपने कही, बदलाव ज्यादातर आपकी पार्टी झेल रही है, ये बहुत लंबे अरसे बाद हम देख रहे हैं कि ओम माथुर एक्टिव भी हैं, बचे हुए भी हैं, पर आरोप ये लग रहे हैं कि अकेले घूम रहे हैं, नेता उनके साथ नहीं। जी बजाज साहब, देखिए पूरे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है, बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को गतिशील किया गया है, उनके नियमित कार्यक्रम हो रहे हैं, नियमित दिनचर्या चल रही है और हर बूथ को जीतने की प्लानिंग हो रही है और हर नेताओं के अपने काम बटे हुए हैं, सबके अलग अलग जोन बटे हुए हैं और उसके आधार पर ये काम हो रहा है। और जहां तक ये महासंपर्क अभियान और केंद्रीय नेताओं के दौरे का सवाल है तो केवल चुनाव वाले राज्यों में हो रहा है ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में मोदी जी के 9 साल के सफल कार्यकाल के अंतर्गत उनकी योजनाओं को लेकर सभी राज्यों में कार्यक्रम हो रहे हैं जी। और कांग्रेस की जो हालत है, कांग्रेस जैसे भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि केंद्रीय नेताओं के बदौलत लड़ रहे थे, ऐसा नहीं, केंद्रीय नेताओं के बदौलत तो सभी पार्टियां रहती हैं, आपके हाथ एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार जैसा बोलेगा वैसा चलेगा। बजाज साहब, कितने हैरत की बात है कि उपलब्धियां आप 9 साल की गिना रहे हैं, चुनाव में वोट आप हनुमान जी पर मांगते हैं, ये हो क्यों जाता है हर बार? बहुत अच्छा प्रश्न किया। नहीं, हनुमान जी की एंट्री तो कांग्रेस ने कराई, कांग्रेस ने हनुमान जी को चुनाव में लाया, घोषणा पत्र में लाकर। हाँ। जबकि ये धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले लोग हैं और वहां तो हनुमान जी को लाकर इन्होंने जिस ढंग से लोगों के तुष्टिकरण के लिए धर्म निरपेक्षता की बात आप भी करते हैं। गांधी जी के चरण तो हर जगह प्रधानमंत्री जी छूते हैं,
धर्मनिरपेक्षता की बात तो आप भी करते हैं ना बजाज साहब, या सिर्फ बात करते हैं? देखिए कांग्रेस वाले धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अब उनको धर्म की तरफ आना पड़ रहा है, अब इनको पता चल रहा है कि राम की ताकत क्या है, भगवान की ताकत क्या है, हिंदुत्व की ताकत क्या है, इसका एहसास अब धीरे धीरे इनको हो रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज इनको मोदी है इसलिए छोटे छोटे दलों से इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और लंबे समय तक राज किया इन्होंने, तीन तीन पीढ़ियों के लोग प्रधानमंत्री रहे गांधी परिवार के, इसके बाद भी छोटे छोटे दलों से इनको समझौता करना पड़ रहा है, ये स्थिति आ गई है, इतनी गरीबी चल रही है कांग्रेस पार्टी। श्रीवास्तव साहब के पास चलते हैं, श्रीवास्तव साहब आपको जवाब देना चाह रहे थे, वो जवाब आप दे दें फिर मेरा सवाल रहेगा प्लीज। जी देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि राम की शक्ति का एहसास हमें अभी हुआ है, तो मैं बता दूं कि इनकी पार्टी 1980 में बनी है, और मैंने तो जिस दिन से हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, मेरी आस्था और मेरी अटूट आस्था और विश्वास मेरे आराध्य प्रभु श्री राम पे है, उसके लिए किसी धर्म के ठेकेदार से और या भावना का व्यापार नहीं, आपकी है बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस की है कि नहीं, आपकी आस्था है बहुत अच्छी बात, कांग्रेस की है कि 100% ललित जी 100% है। फिर दक्षिण भारत के सांसद को सोनिया को लेटर क्यों लिखना पड़ता है कि जिस रास्ते कमलनाथ और दिग्विजय हैं वो हमारा रास्ता है नहीं, क्यों लेटर लिखना पड़ा श्रीवास्तव साहब? देखिए हर पार्टी में किस्म किस्म के लोग होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ललित जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं चीजों को कि कई सारे नेताओं के विचार रहते हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है अगर हम बैठ के बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल ये मानिए कि जो हमारी आस्था और विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बजरंग बली की एंट्री इन्होंने कराई थी, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं भैया, आपका एक अलग एक सम्मान है, लेकिन आप आज चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि बजरंग बली की एंट्री हमने कराई थी, हमने एक दल की बात करी थी, आपके नेता वहां पर आके मेरे राज्य बजरंग बली को उससे जोड़ दिए, पहली बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ललित जी की कर्नाटक ने एक संदेश दिया, ना इनका दुखड़ा चला ना इनका मुखड़ा चला, दोनों नहीं चला, ज्वलंत मुद्दों पे आप बात करिए ना, आप महंगाई पे बात करिए, आपने रोजगार देने की बात करी थी आप उस पर बात करिए, आपने और जो दिगर वादे किए थे आप उस पर बात करिए, आप इधर उधर की बात करके अब आप चुनाव नहीं जीत सकते, जनता ने एक संदेश दिया है। और रही बात छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, मैं आपको बता दूं केंद्रीय नेतृत्व आए कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो 4.5 साल अच्छे काम किए हैं उसको समझे और दूसरे प्रदेशों में अपनाए तो हमें खुशी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, 70 से 80 सीट, संचार प्रमुख की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो एकदम इतर बात करते हैं, मैं उन्हें इस डिबेट का मैं उन्हें कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मरकाम साहब से कोट कर रहा हूं, 70 से 80 सीटों पर कमजोर स्थिति और बस्तर में हालिया स्थिति में कमजोरी की बात कांग्रेस के लिहाज से सामने आ रही है, क्या यही वजह है कि आपका फोकस बढ़ा है अचानक से श्रीवास्तव साहब? देखिए लगातार आपको मैं बता दूं कि ये दिग्भ्रमित करने का काम जिस प्रकार से बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, और बस्तर और सरगुजा की जनता ने छत्तीसगढ़ से एक संदेश दिया बीजेपी को, उन्होंने भाजपा मुक्त कर दिया दोनों जगह से। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो हमने जो विकास की अविरल गंगा वहां पर बहाई है, हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि उपचुनाव भी हमें बस्तर से वहां की जनता ने जिताया, तो लगातार अगर आप देखेंगे तो जनता का प्यार आशीर्वाद एक जिम्मेदारी और जवाबदारी, हमने कहा ना इन 4.5 सालों में हम जनता के लिए ललित जी टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं, टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। श्रीवास्तव साहब एकदम मतलब अनुप्रास के एक्सपर्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत रिसर्च करके बैठे हुए हैं। खैर बजाज साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जेपी नड्डा साहब पहुंचे हुए थे और वो तो चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विकास रोका जा रहा है, जिस छत्तीसगढ़ ने आपको बंपर सांसद दिए वहां कौन रोक रहा है मोदी सरकार का विकास? बजाज साहब देखिए केंद्र की योजनाओं का यह क्या हालत है आप खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से आदिवासियों को, ग्रामीणों को वंचित किया गया, शहरी आवास वालों को वंचित किया गया, मनरेगा के काम इधर उधर के काम में लगाए गए, नान उत्पादक कामों में उसका उपयोग हुआ, जिस काम के लिए लगना चाहिए मनरेगा का पैसा वहां लगा नहीं, मानव संसाधन का भी इन्होंने दुरुपयोग किया, केवल ये चाहते हैं गोबर बीने लोग और दारू पिए, यही चाहते हैं घर घर दारू पहुंचाओ, गोबर वाली स्कीम भाजपा शासित राज्य अपना रहे हैं बजाज साहब, चल रहा है जी गोबर वाली स्कीम यूपी में प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग के दौरान जिक्र किया और कई भाजपा शासित राज्य उसे अपनाने की
प्रक्रिया में है गोबर वाली स्कीम, वहां की प्रक्रिया यहाँ की प्रक्रिया में अंतर है, वह अलग डिबेट में अपन चर्चा करेंगे। वहां पर चल रहा है गोवर्धन योजना, जिसके अंतर्गत गोबर गैस संयंत्र बनाकर खाद बनाना, गोबर गैस बनाना और ये जो गैस बनाकर धुआं रहित चूल्हे की व्यवस्था करना और खाद जैविक खाद का उत्पादन करना, ये सब काम चल रहा है। यहाँ तो केवल वो मॉडलिंग हो रही है, केवल दिखाने के लिए हो रहा है। और तमाजवीर और बर्मी कंपोस्ट जो दे रहे हैं ना, उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी मुरुम सब मिला है। हम आपको फोटो और वीडियो भेज देंगे, आप देखिएगा कि किस तरह से कंकड़ पत्थर और दे रहे हैं, और किसी प्रकार से किसी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं है ऐसे खाद को वर्मी कंपोस्ट बोलकर ठीक बेच रहे हैं। चलिए बजा साहब, नहीं ऐसे का बजा साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको। दरअसल गोबर से जुड़ी योजना है, सीएम साहब जो शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने भी कहा था और योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया था। बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब आपका, श्रीवास्तव साहब आपका, हालांकि कुछ पहलू और अनछुए भी रह गए। एक बड़ा पहलू अनछुआ ये रह जाता है हर बार कि क्या छत्तीसगढ़ किसी तीसरे विकल्प को मौका दे सकता है, और वो भी तब कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हो जो खुद शराब घोटाले में घिरे हुए हैं, पर उनका रणनीतिक कौशल कई जगह समझ भी आया है और जिसने काम भी किया है। इस पर आगे भी चर्चाएं फिर कभी हम करेंगे। आज की प्रस्तुति में इतना ही, नमस्कार।